तारीख में काफलों को दिन दहाड़े रास्ते में लूट लिया जाता था। इस अमल ने अब शक्ल ज़रूर तब्दील की है, लेकिन लूट मार का सिलसिला आज तक बंद नहीं हुआ। लेकिन कराची के माहिगीरों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। समंदर में जब किसी कश्ती को वाफर मकदार में शिकार मिलता है तो वह पहले करीबी लोगों को इतला देता है। ये इतला VHF रेडियो पर जिन जिन माहिगीरों को सुनाई देती है वो इस कश्ती पर आ जाते हैं। लेकिन ये सब सब्र व तामल का मुजाहरा करते हैं, और शिकार का मालिक जिस कश्ती वाले को इजाज़त देता है वही इस जाल से मछली अपनी कश्ती में चढ़ा सकता है। अगर मछली ज़्यादा है तो बाकी कश्ती वालों को इस शर्त पर इजाज़त दी जाती है कि वो इस शिकार को फरोख्त के बाद पूरी आधी रकम इस मालिक को देंगे जिसने ये मछली शिकार की है। यूँ जो मालिक होता है इसका नसीब खिल जाता है, और साथ साथ तमाम गरीब खलासियों का भी। अगर छोटी कश्ती वाला कोई मछली का झुंड देखे और बड़ी कश्ती वाले को इतला दे तो बड़ी कश्ती वाले पहले इस इतला देने वाली छोटी कश्ती वालों को इजाज़त देते हैं कि वो जितनी चाहे अपनी कश्ती में मछली चढ़ा सकते हैं। इसलिए बोनाफाइड माहिगीरों को मीर बहर यानी समंदर का बादशाह कहा जाता है।